बच्चों, मेरे पास कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें होमोफोन्स की जरूरत होती है, तो आज की इस वीडियो में मैं उन लोगों के लिए लाया हूं कुछ होमोफोन्स जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और ऐसे होमोफोन्स जरूर पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये आपको सीखने वर्ड्स। अलाउड, इसका मतलब होता है अनुमति, और इसकी होमोफोन्स होती है अलाउड, जिसका मतलब होता है जोर। बिसाइड, इसका मतलब होता है बगल में, होमोफोन्स होता है बिसाइड्स, जिसका मतलब होता है अलावा। ब्लू, जिसका मतलब होता है विस्फोट से उड़ाना, एक होता है ब्लू, जिसका मतलब होता है नीला। ब्रेक, जिसका मतलब होता है रोकना, इसकी होमोफोन्स होती है ब्रेक, जिसका मतलब होता है तोड़ना। कास्ट, जिसका मतलब होता है ढालना, एक होता है कास्ट, जिसका मतलब होता है जाति। सीलिंग, जिसका मतलब होता है छत, और एक होता है सीलिंग, जिसका मतलब होता है बंद करना। कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है पूरक, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, जिसका मतलब होता है प्रशंसा। डेरी, जिसका मतलब होता है दुग्धशाला, और इसकी होमोफोन्स होती है डायरी, जिसका मतलब होता है किताब। डेजर्ट, जिसका मतलब होता है रेगिस्तान, और एक होता है डेजर्ट, जिसका मतलब होता है मिठाई। डोज, जिसका मतलब होता है खुराक, और एक होता है डोज, जिसका मतलब होता है झपकी लेना। एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है के अलावा, और एक होता है एक्सपेक्ट, जिसका मतलब होता है अपेक्षा करना। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है खोजना, और एक होता है फाइंड, जिसका मतलब होता है जुर्माना लगाना। फ्लोर, इसका मतलब होता है जमीन, और एक होता है फ्लोर, जिसका मतलब होता है आटा। गेट, इसका मतलब होता है चैत, और एक होता है गेट, जिसका मतलब होता है फाटक। हील, जिसका मतलब होता है ठीक होना, और एक होता है हील, जिसका मतलब होता है सभी। ऑनर, जिसका मतलब होता है सम्मान, और एक होता है ओनर, जिसका मतलब होता है मालिक। आइडियल, जिसका मतलब होता है आदर्श, और एक होता है आइडल, जिसका मतलब होता है आलसी। लीटर, लीटर का मतलब होता है मापन, और इसकी होमोफोन्स होती है लीटर, जिसका मतलब होता है कूड़ा। लोन, जिसका मतलब होता है कर्ज, और एक होता है लोन, जिसका मतलब होता है अकेला। मैरी, इसका मतलब होता है विवाह करना, और एक होता है मैरी, जिसका मतलब होता है आनंदित। मीट, इसका मतलब होता है मांस, और एक होता है मीट, जिसका मतलब होता है मिलना। मीटर, इसका मतलब होता है मीटर, और एक होता है मीटर, जिसका मतलब होता है मापन। नन, नन का मतलब होता है कोई नहीं, और एक होता है नन, जिसका मतलब होता है मठवासिनी। पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और इसकी होमोफोन्स होती है पेयर, जिसका मतलब होता है प्रतीत। पीस, पीस का मतलब होता है शांति, और इसकी होमोफोन्स होती है पीस, जिसका मतलब होता है टुकड़ा। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है मैदान, और एक होता है प्लेन, जिसका मतलब होता है विमान। रेन, इसका मतलब होता है बारिश, और एक होता है रेन, जिसका मतलब होता है शासन। राइट, इसका मतलब होता है सही, और एक होता है राइट, जिसका मतलब होता है लिखना। सीन, इसका मतलब होता है दृश्य, और एक होता है सीन, जिसका मतलब होता है देखा है। एक होता है सी, जिसका मतलब होता है नदी, और इसकी होमोफोन्स होती है सी, जिसका मतलब होता है देखना। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे होमोफोन्स लेकर आया जिसे आपको एग्जाम में आना बहुत ज़रूरी होती है, और ऐसे होमोफोन्स आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसके वजह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत है।